एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिंग विद सुरभि। कैसे हैं आप सब लोग? सो ये थोड़ा सा ऑन डिमांड वीडियो है। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक डीएम किया था कि वो देखना चाहती है कि मेरे पास किस तरह के कुर्ती कलेक्शन है एंड मैं कहाँ से लेती हूँ। नॉट ओनली कुर्ती बट मेरे एक्सेसरीज एंड एनीथिंग एल्स। आपको नहीं पता हो तो इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे फोटोज़ पोस्ट करती हूँ, सो वहाँ पे भी आपको वैरायटीज़ देखने मिलेंगी। से मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मुझे DMs तो काफ़ी सारे आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। जैसे कि एक मेरे व्यूअर ने मुझे कहा कि मीशो हॉल करने, एक व्यूअर ने कहा हेयर फॉल कंट्रोल के लिए कुछ बताओ, देन मेरे एक व्यूअर ने बोला कि लिपस्टिक कलेक्शंस पे वीडियो बनाओ कि हमें किस तरह के ओकेजन पे कौन सी लिपस्टिक्स बनाने चाहिए। ये सारे कमेंट्स मेरे पास सेफ है एंड गर्ल्स, मैं एक टाइम पे एक ही वीडियो बना सकती हूँ, मैक्सिमम दो, एंड कभी कभी कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है ऑन द स्पॉट उसे बनाना। सो मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगी। और सो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे आई लैशेज कैसे अप्लाई करते हैं वो पूछा था, सो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया है, अगर आपने नहीं देखा हो सो यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा। एंड उसी के साथ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि मैंने एक्चुअली मैं ये एक पार्ट में वीडियो डेफिनेटली नहीं कर सकती, मैक्सिमम 2 या 3 पार्ट्स होंगे कुर्ती कलेक्शन वीडियोज़ के ऊपर। सो एक पार्ट में मैंने ट्राई किया है कि मैंने ऑनलाइन कहाँ से बाय की है या फिर आप लोग ऑनलाइन कहाँ से ये कुर्तीज़ ले सकते हो, इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड टू बाय देम, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। अभी ओकेजन होता है तभी पहनती हूँ। दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव और दे आर नॉट वेरी मच हैवी, यू कैन से सिंपल ही है, बट मैं उन्हें बाहर पहनती। सो लेट्स बिगिन। सो या दिस मच अमाउंट ऑफ कुर्तीज आई हैव, ये सिर्फ पार्ट वन है। सो या ये फिलहाल प्रेस की हुई नहीं है, ये भी एक मेहनत का काम है कि वीडियो बनाने के पहले कपड़े प्रेस करो, ओ माई गॉड बहुत सारा। एनीवेज सो लेट्स स्टार्ट विथ माई फर्स्ट कुर्ती। सो दिस वन, ये कुर्ती एक्चुअली मैंने मेरे रक्षाबंधन मेकअप ट्यूटोरियल में पहनी थी, उसी के ऊपर मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था। येस, सो दिस इज़ द फर्स्ट कुर्ती आई हैव। थोड़ी सी मुझे लूज़ है बट स्टिल आई लाइक दिस। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड सभ्यता। इसके भी आउटलेट्स होंगे आई रियली डोंट नो, बट आई एम टेलिंग यू द ऑनेस्ट थिंग दैट मैंने कहाँ से इसे परचेस किया है। एंड ये एंड तक पूरा वर्क है, बहुत प्रिटी है, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। एंड ये जो लेस है एंड यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क है, सो जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आई लव दिस कलर एंड ये मतलब बहुत ही अच्छा दिखता है। एंड या दिस इज़ माई फेवरेट, ये सिल्क मटेरियल में है, शाइनी है, बहुत अच्छा दिखता है। मैं थोड़ा सा फास्ट वीडियो बनाऊंगी एंड वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दैट इज़ वाई। देन सेकेंड वन इज़ दिस, अगर आप ये प्रिंट्स देख के पहचान गए हो सो या यू आर अ वेरी गुड ऑनलाइन कस्टमर, बिकॉज ये मैंने परचेस किया है अमेजोन से। कुर्ती प्लस प्लाजो का ये सेट है, ये मुझे 600 या 700 में मिला था। सो ये अनारकली में है एंड वेरी लॉन्ग नहीं है, आपके नी तक आ जाएगा ही। इसका जो घेर है आप बोल सकते हो बहुत बड़ा है। एंड यहाँ पे इस तरह के फ्लावर्स है, फ्लोरल कलर है। एंड इसके साथ ये प्लाजो है, प्लाजो थोड़ा सा हाइट में छोटा है, बट इफ़ यू आर लविंग दैट वेल एंड गुड, मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लगा फॉर मी। एंड प्लाजो भी सेम मटेरियल में है, कुछ अलग सा नहीं है। एंड दिस इज़ प्योर कॉटन एंड इसमें कलर्स तो पूछो ही मत, बहुत सारे कलर्स है। वैसे ये कुर्ती का कोई ब्रांड नहीं है क्योंकि अमेजोन से परचेस किया था, सो मुझे प्रोडक्ट देख के ही अच्छा लग गया था। आई लिंक इट फॉर यू गाइस। देन नेक्स्ट, दिस वन इज़ वेरी प्रिटी एंड माई मोस्ट फेवरेट, सो आई गॉट दिस फ्रॉम W ब्रांड से। लेना हो इस तरह की कुर्ती सो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और एल्स यू कैन गो इन मॉल, एंड मॉल में तो आपको सारे ब्रांड्स के कुर्तीज ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस इज इन द प्लेन मरून कलर एंड ये सामने से पूरा प्लेन है बट इस एंड नीचे लाइन वाला, एंड देन इसके बैक साइड में ये नीचे से
बैक साइड में ये इस तरह का प्रिंट है, बट ये इतना खूबसूरत दिखता है। सो या दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट कुर्तीज सो फार। सो ये भी अगर मुझे पॉसिबल हुआ आई विल लिंक इट डाउन। ओके देन सो द नेक्स्ट कुर्ती इज दिस वन, अ डार्क वाइब्रेंट रेड कलर। एंड रेड कलर तो एक स्टॉक में होना ही चाहिए सभी के पास। या दिस लुक सम वॉट लाइक दिस, अ वेरी वेरी रिच रेड कलर। एंड इसके स्लीव्स पे इस तरह का मोती वर्क किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है। एंड जस्ट दिस, ओनली दिस, एंड पूरी कुर्ती इज प्लेन एंड सिंपल। एंड या सिर्फ ये इसके बॉर्डर पे यहाँ पे गोल्डन लेस है एंड स्लीव्स के यहाँ पे है, अदरवाइज प्लेन है एंड थोड़े से यहाँ पे है। एंड इसकी भी अगर शाइन आप देख सकते हो, सो इसकी भी शाइन बहुत अच्छी है। दिस इज़ इन द ब्रांड अगेन सभ्यता। सभ्यता से हम बहुत सारी कुर्तीज परचेस करते हैं बिकॉज वहाँ पे ट्रेडिशनल कुर्ती बहुत अच्छी मिलती है। मैं थाने में रहती हूँ, मुंबई थाने। सो वहाँ पे स्टेशन पे, थाने स्टेशन के यहाँ पे एक सभ्यता करके शॉप है जहाँ पे आपको 101 कुर्तीज एंड प्लाजोज बहुत अच्छे मिलेंगे। देन नेक्स्ट आई सेकेंड कुर्ती इन अगेन रेड कलर, बट दिस इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। सो दिस इज इन द ब्रांड रंगमंच। सो ये मैंने परचेस किया था अगेन मॉल से। सो शॉपिंग मॉल में लाइफ स्टाइल या रिलायंस में आई रियली डोंट रिमेम्बर, बहुत टाइम हो गया इसे परचेस किए हुए, बट ये डेफिनेटली फ्रॉम मॉल से लिया हुआ है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। सो इसमें यहाँ पे ये सारे बटन्स, ये सारे मोती वर्क है, प्रिंट है। सो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, मतलब मुझ पे ये ज़्यादा करके बहुत सूट होता है, आई जस्ट लव। नेक्स्ट मूव ऑन टू द वाइट कलर। एंड वाइट कुर्ती मेरे पास नहीं हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज प्योरली वाइट कलर एंड यहाँ पे खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा प्रिटीएस्ट डिज़ाइन है, फ्लोरल आप देख सकते हो। सो दिस इज इन द ब्रांड सेसफराज, इट इज़ फ्रॉम मिंत्रा। मिंत्रा से मैंने आपको बोला था मैं बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ देन अमेजोन। सो ये प्लेन वाइट है एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा ये वर्क किया हुआ है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। एंड बाकी थ्रू आउट इट इज़ प्लेन एंड इसमें स्लिट कट है, ये स्लिट पैटर्न है यहाँ पे आप देख सकते हो, जब मैं पहनूंगी तो आपको समझेगा। सो ये फुल स्लिट है एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग, बट स्टिल आई लव दिस पैटर्न, लव्ड। सो ये भी ये मेरा साइज है मीडियम। देन सेकेंड वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम मिंत्रा। ये एक्चुअली मैं मेरे मॉम के लिए लाई थी बट उसे इतना पसंद नहीं आया एंड उसे इतना फिट भी नहीं हुआ, सो ये मैंने ले लिया। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर, दिस इज़ इन द ब्रांड नायो एज इट इज़ रिटर्न। आई एम नॉट श्योर कि मैंने इसे राइट पढ़ा है कि नहीं, बट ये बहुत अच्छा क्वालिटी है, आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी। ये भी अगेन लॉन्ग कुर्ती है या सो इसकी प्रिंट एकदम हिस्टोरिक प्लेसेस पे पहने जैसी राजा महाराजा टाइप कुर्तीज है। एंड इसके नीचे आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंट मिलेगा, सेम ऑन स्लीव, स्लीव्स पे भी आपको सेम प्रिंट मिलेगा। एंड इसका कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो मेरे पास ऑरेंज स्कर्ट है, ऑरेंज प्लाजो है, सो मैं बहुत सारी चीज़ें इसके साथ पैर अप करती हूँ। ओके सो या द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी पेस्टल मिंट ग्रीन कलर, यू कैन सी। एंड अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई ब्रांड लिखा नहीं है, बट ये मैंने मेरे ऑफलाइन स्टोर से ही बाय किया था। सो ये थ्रू आउट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एंड या अब ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, बट स्टिल आई यूज़ इट, आई लव वेयरिंग कुर्तीज। एंड इसके जस्ट फ्रंट पे यहाँ पे ये अच्छा खासा सा डिज़ाइन दिया हुआ है विच आई एम लाइकिंग। सो इसमें कुछ खास वैसे बताने जैसा है नहीं, बट ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से ही लिया था थाने से। एंड द लास्ट वन इज़ अगेन येलो कलर, दिस इज़ लास्ट फ्रॉम टूडेज वीडियो, येस। सो दिस इज़ ऑल्सो येलो कलर, कैमरे पे थोड़ा अलग दिख रहा होगा।
सिंस कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट या ये इस तरह का है, बहुत ही सिंपल है, एलिगेंट है। एंड दिस इज़ इन द ब्रांड ईमा, दिस इज़ ऑल्सो मेड इन इंडिया ईमा। सो ये मैंने एक ऑफलाइन स्टोर से बाय किया था, एक्चुअली इसमें सब मिक्स हो गया ऑफलाइन ऑनलाइन। सो या ये एकदम स्ट्रेट कट है, इसमें कुछ भी नहीं है, एंड ये बटन्स है एंड ये एंड तक ऐसे ही है, इसे लाइव देखोगे। सो या दिस वॉज सो ये हो गए हमारे आज के कुर्तीज़। इसमें कुछ कुछ कुर्तीज़ रह भी गई होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी बहुत सारी कुर्तीज़ होंगी जो कि होगी मोस्टली कैजुअल, जो मैं ऑफिस के लिए यूज़ करती हूँ या फिर जस्ट कैजुअली वेयर करने के लिए, बट दे आर ऑल न्यू बिकॉज मैंने उन्हें रिसेंटली ही बाय किया है इन दिस ईयर, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड मेरी कुर्तीज़ भी कैसे लगे। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई वुड बी रियली ग्रेटफुल इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।